मामा माणिकचंद्र वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास ने नारद जयंती के अवसर पर उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया है। इस अवसर पर वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य में पत्रकारिता, विश्वसनीयता और नई चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी भी होगी। मामा माणिकचंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास द्वारा 26 मई को देवऋषि नारद पत्रकारिता सम्मान समारोह बाल भवन में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम संयोजक बालराम सोनी ने बताया कि इस वर्ष यह सम्मान 14 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य में पत्रकारिता, विश्वसनीयता और चुनौतियां विषय पर मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार एवं मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी अपनी बात रखेंगे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी एवं विशेष अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य क्षेत्र के कार्यकारिणी सदस्य यशवंत इंद्रापुरकर होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मामा माणिकचंद्र वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास के उपाध्यक्ष यशवर्धन जैन करेंगे। मामा माणिकचंद वाजपेयी सेवा स्मृति न्यास लगातार पिछले 20 वर्षों से उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान का आयोजन करती रही है। इस बार का ये आयोजन 26 मई रविवार दोपहर 12:30 बजे बाल भवन सभागार कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम शहर की विभिन्न श्रेणियों के पत्रकारों को सम्मानित करते हैं। इस बार भी यह सम्मान 14 श्रेणियों में दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम की जो सबसे खास पहलू है वो ये है कि इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश श्री विजय मनोहर तिवारी इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अविनाश तिवारी कुलपति जीवाजी विश्वविद्यालय, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री यशवंत इंदापुरकर जी जो कि कार्यकारिणी सदस्य हैं मध्य क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री यशवर्धन जैन जो कि न्यास के उपाध्यक्ष हैं वो करेंगे। कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वे सभी आप सभी को जिससे ज्ञात है, इस कार्यक्रम में हम एक संवाद कार्यक्रम करते हैं जो कि संवाद श्री विजय मनोहर तिवारी जी आपके साथ करेंगे, और आप इस कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित हों और उनके विचारों का भी लाभ लें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।